नमस्कार मैशालनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें जहां एक तरफ चिराग पासवान 2020 में बढ़ाते हुए नजर आए थे तो अब उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए चाचा पशुपति पारस भी अपनी एंट्री मार चुके हैं 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार मैदान में, में उतार दिए थे और उस समय वो तनातनी का माहौल भी देखने को मिला था। जिसके बाद अब जब एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी शामिल हुई तो वहीं चिराग पासवान की भी यहाँ पर पार्टी जो है वो एनडीए में शामिल हो जाती है जिसके चलते नीतीश कुमार वो दो के सभी जो गिले शिप के शिकवे हैं उन्हें भूल जाते हैं और चिराग पासवान से हाथ मिला लेते हैं लेकिन अब पशुपति पारस आखिरकार पशुपति पारस बिहार सरकार पर निशाना क्यों साध रही है जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में ही पशुपति पारस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि बिहार में यादव के बाद पारस जो पासवान जो जाति है वो सबसे ज्यादा आ जाती है और हम एनडीए को वोट देते हैं और पासवान जाति भी एनडीए को ही वोट देती है ऐसे में अब जो ये फैसला आया है इसको लेकर नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार सरकार जो है उसे सोचना होगा विचार करना होगा और इस फैसले में बदलाव करने की कोशिश भी करनी होगी जिस तरीके से 2020 में चिराग पासवान ने मुश्किलें बढ़ाई थी अब चाचा पशुपति पारस आखिरकार अपनी ही एनडीए के सहयोगी दल की मुश्किलें क्यों बढ़ाते नजर आ रहे हैं वहीं अगर पशुपति पारस को लेकर बात की जाए तो पशुपति पारस जो हैं वो आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से नाराज होते हुए नजर आए थे और भारतीय जनता पार्टी छोड़ भी दी थी लेकिन तुरंत ही उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और यहाँ पर वो ये भी कहते दिखाई दिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी से सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत अगर उन्हें सीटें नहीं भी दी गई हैं तो कोई बात नहीं चिराग पासवान मेरे भतीजे को पाँच सीटें बिहार में मिली हैं और मैं तब तक उनके साथ खड़ा रहूंगा अगर हाजीपुर से उन्हें लगता है कि मेरी जरूरत उन्हें महसूस होती है तो मैं हर कदम पर चिराग पासवान यानी कि अपने भतीजे के साथ खड़ा होता हुआ नजर आऊंगा अब जिस तरीके से अमित शाह से पशुपति पारस का अचानक से मुलाकात करना कई सियासी मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार इस मुलाकात का और क्या वजह हो सकती है वहीं राम मांझी की बात की जाए तो वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम भी जल्द ही पशुपति पारस से मुलाकात करेंगे और ये जो अमित शाह से मुलाकात हुई है गृहमंत्री अमित शाह से वो उस मुलाकात के कारण कई का निकाले जा रहे हैं मांझी भी ये कहते दिखाई देते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ही नहीं हम भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं जो आपको बता दें कि मांझी जो है वो बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नीतीश कुमार द्वारा ही उन्हें बनाया भी गया था अब जिस तरीके से चाचा भतीजे सीधे तौर पर बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं ऐसे में नीतीश कुमार जो है क्या एक बार फिर से आने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होते हुए नजर आएंगे क्योंकि बिहार में इस बार तमाम जो नेता है वो मुख्यमंत्री के ताल पर यहाँ पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो भी यहाँ पर चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज